हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीबीएससी मेंस के सॉल्व पेपर का भाग 35 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 34 भाग पढ़ चुके थे और हमने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड पूरा 2018 का सॉल्व कर लिया। तो उल्टे से चलते आ रहे हैं, ये 5 साल के पेपर हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा अर्थशास्त्र का पेपर चल रहा था, साइंस वाला हमने कर लिया था, अर्थशास्त्र में भी हमने बहुत सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम आज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेंस के अलावा, तो आप हमारे दूसरे पुलिस का जो एमपी पुलिस का ग्रुप बना है उसे जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से ये मेंस के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार का हैंड रिटन सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, या आप अगर सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा। ये 8 फाइलें रहेंगी, इसमें लगभग 1300 पेजेस रहेंगे। सॉफ्ट कॉपी की प्राइस इसकी 1000 रुपीज़ है और हार्ड कॉपी की प्राइस इसकी 2000 रुपीज़ है। ये कोरियर सहित है, हैंड रिटर्न सॉल्ड पेपर मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आप चाहे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, चाहे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, सबसे मेन चीज़ होता है स्टार्टिंग आपका। अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आपको सॉल्व पेपर ही लगाना है, सॉल्व पेपर के पूरे आंसर ही सॉल्व करना है। आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में कि सॉल्व पेपर से मिलते जुलते ही पेपर पूरे क्वेश्चन आपको बनेंगे, इनसे ही मिलते जुलते, क्योंकि सिलेबस एक ही है, स्टैटिक जीके एक ही है, इसी से संबंधित प्रश्न जो है वो बनते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सेबी द्वारा भारत में पूंजी बाजार को प्रबल बनाने के लिए किए गए उपाय बताओ। सेबी क्या होता है? सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। तो 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई। कोई भी हमको इस संगठन लिखना होता है तो सबसे पहले हम इसी प्रकार से इसका इंट्रो लिख देते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मेन इसका इंट्रो हो जाता है और उसका फुल फॉर्म क्या है। अब हम जो पूछा है वो लिखेंगे कि भारत में सेबी द्वारा भारत में पूंजी बाजार को प्रबल बनाने के क्या उपाय किए गए। निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना, मतलब जो निवेशक हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनको हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, हर तरीके का संरक्षण प्रदान किया जाए। बाजार के उचित विकास को प्रोत्साहित करना, नई नई प्रतिस्पर्धा, नई नई वो तकनीकें निकालना, कार्यक्रम लगाना, स्कीम निकालना, जिससे कि बाजार प्रोत्साहित हो सके। अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवहार का नियमन करना, जो और भी समकक्ष इनके हैं उनके व्यवहार का नियमन भी इसको करना रहता है। म्यूचुअल फंड की निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना, तो म्यूचुअल फंड रहते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं वो इन्हीं के द्वारा ही पंजीकृत होती हैं, सेबी के द्वारा। धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रसार को रोकना, धोखाधड़ी जो हो रहा है म्यूचुअल फंड के जरिए उनको रोकना, उनका पता लगाना, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ाना और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष के निष्पक्ष होकर व्यापार को बढ़ाना, ये इसके कार्य हैं। फिर हम निष्कर्ष लिख देंगे। वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है, जबकि अन्य 20 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं जो निम्न प्रकार के कार्य कर भारत में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में आंसर फ्रेम करना है, इंट्रो, फिर जो पूछा है, लास्ट में निष्कर्ष। इसी प्रकार से मैंने अपने नोट्स, चाहे आप मेरे मुख्य परीक्षा के नोट्स देखिए, मुख्य परीक्षा के नोट जो कि हैंड रिटन है, इसी प्रकार के ही मिलेंगे। पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपको मेंस के नोट्स ही, अगर आप केवल प्रीवियस ईयर्स पेपर लेना चाहते हैं, आपने नोट्स कहीं और से ले लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये प्रीवियस ईयर्स पेपर भी अलग से ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाइए जरूर। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं ले सकते हैं तो आप मार्केट में जाकर कोई भी पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का, पुणेकर या महावीर, कोई भी, आप वहाँ से उनको लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, पुराने पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। भारत में आय वितरण में असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताएं। जो आय में असमानता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, तो उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो वर्तमान समय में असमानता ही देश की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, हम सभी को मिलकर इसे खत्म करना होगा, तभी महिलाओं के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, तभी महिलाओं को और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलेगा जब हम असमानता को दूर करेंगे। सामाजिक असमानता के कारण ही
आज समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता और इंसानियत खत्म हो रही है, पर सामाजिक असमानता आ रही है, लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो लोग एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं। जो भारत और भारत का हर व्यक्ति भाई भाई है, वो वाला जो संबंध है वो कहीं नज़र नहीं आता है। तो ये सब ये असमानता के कारण ही है। 2016 में आय असमानता का जो स्तर है वो अफ्रीका और ब्राज़ील के स्तर जैसा है। तो इतनी ज़्यादा भारत की स्थिति ख़राब है, इस प्रकार से उसका असमानता का स्तर गिरता ही जा रहा है। ग्राफ बना दो, आंकड़े लिख दो, इनसे मार्क्स जो है हमको अच्छे मिलते हैं। फिर आय की असमानता को क्या क्या उपाय हैं दूर करने के? रोज़गार में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जाए, लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, ग्रामीण स्तर तक सभी सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ, योजनाओं का केंद्रीयकरण ग्रामीण स्तर पर किया जाए। योजनाओं का जो क्रिया केंद्रीयकरण है वो कहाँ पे किया जाए? ग्रामीण स्तर पर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचनाएँ विकसित हो, विकास का विकेंद्रीयकरण हो। तो अगर ये सभी चीज़ें अगर हम अपना ली जाते हैं तो आय की असमानता को काफ़ी हद तक दूर कर, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार वृद्धि करेंगे तो लोग इक्वल आएंगे, छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे तो वहाँ से आय का जरिया, जो छोटे लोग हैं जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते, बड़ा बिजनेस नहीं करते, छोटे उद्योग से वो अपनी कमाई बेहतर कर सकते हैं। ग्रामीण स्तर तक हम सभी सुविधाएं पहुँचाए तो ग्रामीण प्रगति कर सकता है। योजनाओं का विकेंद्रीकरण हर लेवल तक किया जाए, योजनाओं को हर स्तर तक पहुँचाया जाए तो हम ग्रामीण स्तर को वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार आधारभूत अवसंरचना का विकास कर सकते हैं और विकास का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। निष्कर्ष में लिख देंगे, अतः आर्थिक सुधारों की रूपरेखा कुछ ऐसे तय करनी होगी जिससे कि आय असमानता को कम किया जा सके। अतः हमको ऐसी रूपरेखा बनानी होगी, ऐसा मॉडल तैयार करना होगा ताकि हम आय असमानता को कम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में साक्षरता का स्तर बढ़ने से आर्थिक शक्ति की असमानता में गिरावट आई है। साक्षरता का स्तर जब बढ़ गया है तो आर्थिक स्थिति की जो असमानता है, मतलब पैसों के ही स्तर, जैसे कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो उसमें गिरावट आई है, तो उसको हमको बताना है। ये 2018 का बहुत ही इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थशास्त्र का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है, अर्थशास्त्र में हमेशा घूमे हुए ही क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको वो टॉपिक पढ़ना होगा। जैसे कि आपने असमानता पढ़ा हुआ है टॉपिक, अब असमानता का जो टॉपिक है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी आंसर से डरिएगा मत, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराती हूँ, मेरा आप अगर नोट्स लेते हैं तो मैं अपने ग्रुप में बहुत सारे आंसर्स कराती रहती हूँ, कलेक्शन देती रहती हूँ। यकीन मानिए उनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सभ्य, सक्षम व सुदृढ़ समाज की आधारशिला है। शिक्षा से ही व्यक्ति सभ्य बनता है, सक्षम बनता है और एक सुदृढ़ समाज बनाता है। किसी भी देश के विकास के स्तर को उस देश की साक्षरता के प्रतिशत से आंका जा सकता है। कोई देश कितना विकास कर रहा है ये हम उसके साक्षरता के प्रतिशत के द्वारा आंक सकते हैं। साक्षरता हमारे खुद के विकास तक सीमित नहीं है, मतलब साक्षरता केवल हमारा खुद का विकास नहीं समझती करती है, लेकिन जब हम शिक्षित होते हैं तो हम कुछ अच्छे जॉब करते हैं जिससे हमारी आर्थिक मदद होती है, देश का आर्थिक विकास होता है। तो साक्षरता हमारे खुद के विकास तक सीमित नहीं है, इसका गहरा संबंध सामाजिक और आर्थिक विकास तक है। गरीबी उन्मूलन के लिए, बालक बाल मृत्यु दर कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए, असमानता में कमी लाने के लिए साक्षरता आवश्यक है। शिक्षा का चहुमुखी विकास के लिए भी यह आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा अनुसंधान और विकास आगे बढ़ता है और ये राष्ट्र को स्वावलंबन की दिशा में ले जाता है। शिक्षा के द्वारा ही क्या बढ़ता है? अनुसंधान बढ़ता है, विकास बढ़ता है और ये राष्ट्र को स्वावलंबन की दिशा में आगे ले जाता है। सभी के लिए बुनियादी शिक्षा कौशल प्रदान करना ताकि आय के अलग अलग आयाम निकल सके। सभी के लिए क्या करना चाहिए? बुनियादी शिक्षा कौशल प्रदान करना चाहिए ताकि आय के अलग अलग तरीके निकल सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्व में साक्षरता में वृद्धि आर्थिक शक्ति की असमानता में गिरावट लाती है, साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कर। अब शिक्षा व्यक्ति साक्षर होगा तो वो आर्थिक रूप से सक्षम होगा, उसे कोई ना कोई तरीका पैसा कमाने का मिल जाएगा कंपैरिजन टू जो निरक्षर व्यक्ति होगा। तो ये आर्थिक शक्ति प्रदान करती है, देश के आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी तकनीकी घटकों को लिखो। मतलब कृषि में जो निम्न उत्पादकता हो रही, उत्पादक जो सही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसके क्या कारण है, उसके तकनीकी घटक कौन कौन से हैं। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। निम्न उत्पादकता के कौन कौन से कारण हैं, निम्न उत्पादकता के कारण है सामान्य कारण, संस्थागत कारण और तकनीकी कारण। सामान्य कारण मतलब जो नॉर्मल के जो खेती में मृदा की कमजोरी हो गई, पैसे की कमी हो गई। संस्थागत कारण संस्था में कमी है, जिस संस्था से उत्पादक हो रहा है या जिस संस्था से बीज हो रहे हैं उन तक तकनीकी कारणों से भी निम्न उत्पादकता होती है। तो क्या है, भारत में आज़ादी के बाद से आज भी सर्वाधिक लोगों की जीविका का माध्यम कृषि है। भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, परंतु किसी की निम्न उत्पादकता बनी हुई है जिसके अनेक तकनीकी कारण हैं। भारत में आज़ादी के बाद से भी आजीविका का साधन हमेशा से कृषि ही रहा है और रहेगा। अब 50% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है लगभग, तो इसकी फिर भी निम्न उत्पादकता बनी हुई है, इसके क्या कारण है। नंबर एक, कृषि की परंपरागत तकनीकों का प्रयोग। परंपरागत हम ट्रेडिशनल ही यूज़ कर रहे हैं टेक्निक, क्योंकि किसान जो है वो भरोसा नहीं कर पाते हैं आधुनिक तकनीक का, क्योंकि उनकी सोच बहुत परंपरावादी रहती है। उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं वो उच्च गुणवत्ता वाले नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी कमी हो जा रही है। कृषि उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है और किसान जो है वो उतना वित्त खर्च नहीं कर पाता है। सिंचाई सुविधा का भी अभाव होता है। तकनीक का प्रसार जनता को जो किसानों को जागरूक नहीं कर पाता, क्योंकि उतना अच्छे से तकनीकी प्रसार नहीं हो पाता। तो ये समस्याएँ हैं जिनके कारण जो है भारत में कृषि की उत्पादकता निम्न बनी हुई। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने आज के क्वेश्चन किए। फ्रेंड्स ये मेरे मेंस के नोट्स हैं, इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। इसकी इस प्रकार की आपको 23 फाइलें मिलेंगी। अगर आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, दोनों ही आपको मिल जाएंगे। ये जिनसे आप पढ़ रहे थे ये सॉल्व पेपर हैं, ये सॉल्व पेपर की 8 फाइल आपको मिलेंगी। इसमें लगभग 1300 पेजेस हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं ये, इनको ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपका लगभग 50-70% जो सिलेबस है वो कवर होता है। हाँ, मुझे व्हाट्सअप करके ये आप मंगा सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो भारत में, ये आपका डिलीवर हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्लो चार्ट और मैप सहित हैं। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन जिस तरीके से आया है उसी तरह एमपीपीएससी का भी आ सकता है। तो आप लोग अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर बनाइए। इस प्रकार की प्रीलिम्स की फाइल आपको मिलेंगी, ये 16 फाइल आपको मिलेंगी। इनमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनमें नीचे व्याख्या भी दी गई है। तो आप ये ले सकते हैं। इसके बाद ये 5000 वन लाइनर है, जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है नोट्स का भाग है, क्योंकि इसमें पूरा एमपी वन लाइनर तरीके से हैंड रिटन कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।